हेलो गाइज, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। कल से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है। हमने फॉर्म डिटेल में बताया है कि फिल कैसे करने हैं। फॉर्म फिल करने में बिल्कुल गलती ना करें, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई कैंडिडेट मैसेज कर रहा है कि हमारे फॉर्म में जो फ़ोटो है वो गलत अपलोड हो गई है। गलत अपलोड होने का मतलब आप समझ रहे हैं, फॉर्म सीधा रिजेक्ट होना। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्शन से आप लोग बचाइए। फॉर्म को कैसे भरना हमने डिटेल बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। चैनल वीडियो आज ही अपलोड किए हैं तो आप देख लीजिए फॉर्म को कैसे भरना। फॉर्म खुद फिल करिए, कैफे वगैरह की बिल्कुल हेल्प ना लें, खुद फिल करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म सिंपल तरीके से फिल हो रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिल होने में दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक है, डायरेक्ट आप ज्वाइन करके वहां आप हेल्प ले सकते हैं। इसलिए जो है फॉर्म भरने में गलतियां ना करें, गलती बिल्कुल ना करें, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फॉर्म रिजेक्शन से आप लोग बचिए। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगी। तो टॉप 10 कोर्स हम इस वीडियो में जानेंगे, जो टॉप 10 कोर्स हैं कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2023-2024 जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी मेरिट बेस ले रही है। डी फार्मा यहाँ से इलिमिनेट कर दिया है। डी फार्मा किसके थ्रू लेगा अभी कोई डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन जल्द ही लेकर हम आपको सूचित करेंगे। टॉप 10 कोर्स हम देख लेते हैं, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के टॉप 10 कोर्स कौन कौन से हैं जिसको करने से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं नहीं जानते, कोर्स ले लेते हैं फंस जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम आपको प्रीफर करना चाहेंगे जो कोर्स, वो कोर्स आइए हम आपको बताते हैं। जहाँ तक 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि किस कोर्स में वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। जो 4-5 साल हमने मेडिकल फील्ड में देखा तो उसमें यही पता चला कि वैकेंसी हर फील्ड में आती ही नहीं है। बहुत ऐसे कोर्स हैं जो फर्जी टाइप में चल रहे हैं, उसमें वैकेंसी नहीं आती है। तो उसी कोर्स में सीटें भी खाली जाती हैं, गवर्नमेंट में सब में सीटें खाली नहीं जाती। तो आइए हम वन बाई वन कोर्स को देख लेते हैं और आप ऐसे ही प्रेफरेंस करेंगे जब आप काउंसलिंग करेंगे चॉइस फिलिंग में, तो प्रेफरेंस भी इसी प्रकार फिल करेंगे तो आराम से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएँ, कम नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं और अच्छे कोर्स मिल जाते हैं, सिलेक्शन आराम से हो जाता है। काउंसलिंग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, इसलिए आप पहले ही वीडियो को देख लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए, आराम से आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 3 जगह हॉस्टल हमने बताया आपको, UPMS में हॉस्टल है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई ढाबा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज जो कि त्रिवा में यहाँ पे हॉस्टल है, एक सहारनपुर में है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हॉस्टल है, सहारनपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करके है, वहाँ पे हॉस्टल है। जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन 3 जगह की मिली है, 3 जगह हॉस्टल है गवर्नमेंट में, बाकी और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम आपको और फालतू की चीज़ें नहीं बता सकते हॉस्टल है कि नहीं है, 3 जगह कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, हॉस्टल 3 जगह अवेलेबल है। हॉस्टल की फ़ीस वही है 48 रुपये, 5,000 रुपये एक साल की हॉस्टल की फ़ीस है, बाकी मेस की फ़ीस कहीं 2,000 है कहीं 3,000 है, इस प्रकार मेस की फ़ीस है पर मंथ। हॉस्टल की फ़ीस 48 रुपये, 5,000 रुपये पर ईयर है, इसको आप ध्यान देंगे। ट्यूशन की फ़ीस आपकी 19,000 रुपये लगेगी, नेक्स्ट ईयर 20,000 रुपये लगती है, इस बार 5,000 रुपये वही कासन मनी वगैरह लेते हैं तो वही लगभग 24,000 पहुँच जाती है। नहीं तो कॉलेज की फ़ीस जो है 19,000 है और स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका पैसा जो है वापस हो जाएगा 20,000 रुपये। अब ये देखिए कोर्स है और इसके अंदर सीट्स है, आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने जो रखा है वो DMLT को रखा हुआ, DMLT फर्स्ट नंबर पे रखा है। सेकंड नंबर पे एक्सरे में भी सीट आती, DMLT बहुत आती, अभी आई थी रायबरेली में आई थी। इसके बाद बस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, इसके बाद फिर NHM के थ्रू आई थी, बहुत वैकेंसी आती रहती, MRS की अलग वैकेंसी आई हुई थी। DMLT में एकदम वैकेंसी भरपूर आती है, एक्सरे में भी वैकेंसी एकदम आ रही है, परमानेंट वैकेंसी एक्सरे में भी आती है, OT में भी वैकेंसी आती है। थर्ड नंबर पे OT को हमने रखा है, ऑपरेशन थिएटर जो है इसको रखा हमने थर्ड नंबर पे डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमने रखा है। फोर्थ नंबर पे रखा कार्डियो को, जो कार्डियो डिप्लोमा है इसको हमने रखा फोर्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर डायलिसिस है इसकी वैकेंसी आती है। सिक्स नंबर पर CT स्कैन है। सेवन्थ नंबर पे MRI है। एट्थ नंबर पे इमरजेंसी एंड ट्रामा है, जी हाँ इमरजेंसी एंड ट्रामा जो है वो 8th नंबर पे है, इमरजेंसी डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन इसकी वैकेंसी आती है, ये है 8th नंबर पे। 9th नंबर पे है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिप्लोमा कर लीजिए या तो प्लास्टर का कर लीजिए, दोनों का लगभग सेम ही है, वैकेंसी लगभग बराबर आती है। इसके बाद DPT करने वाले स्टूडेंट ध्यान दें, जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है वो सिर्फ UP में चलता है,
अदर स्टेट में नहीं चलता है। तो मतलब अगर आप यूपी में डिप्लोमा कर रहे हैं फिजियोथेरेपी का, तो सिर्फ आप यूपी में ही अपना क्लिनिक वगैरह ओपन कर सकते हैं और यूपी में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यूपी में ही जॉब लगती है। बाकी अदर स्टेट में प्राइवेट में भी जो है नहीं हो पाता है। इसलिए आप जो है डीपीटी जो है, अगर यूपी में सेटल होना चाहते हैं तो यूपी में आप डीपीटी कर सकते हैं, वैकेंसी नहीं आती है, साल भर में एक दो वैकेंसी आ जाती है। ऐसे ही सेम है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसमें भी वैकेंसी नहीं आती है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में। तो ये टॉप 10 के कोर्स रहे। पहले नंबर पर DMLT, सेकंड नंबर पर एक्सरे है, थर्ड नंबर पर OT टेक्नीशियन है, फोर्थ नंबर पर कार्डियो है, फिफ्थ नंबर पर डायलिसिस है, सिक्स नंबर पर CT स्कैन है, सेवन्थ नंबर पर MRI है, एट्थ नंबर पर इमरजेंसी एंड ट्रामा है, नाइन्थ नंबर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए तो आप प्लास्टर का कोर्स कर लीजिए। इसके बाद 10th नंबर पे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर लीजिए या तो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कर लीजिए। ये टॉप 10 कोर्स हैं जो कि बेस्ट हैं, टॉप 10 बेस्ट कोर्स हैं। इसके अलावा और हम नहीं बता सकते हैं टॉप 10 कोर्स में, क्योंकि और भी कोर्स हैं जिनके अंदर वैकेंसी आती नहीं। हमारे हिसाब से कोर्स गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए अगर वैकेंसी नहीं दे रही है। तो ये टॉप 10 कोर्स हैं। पहले नंबर पर DMLT, बहुत वैकेंसी आती है, एकदम वैकेंसी हमेशा आती रहती है। NHM की अभी फिर वैकेंसी आने वाली है नवंबर में, तो उसमें भी काफ़ी अभी वैकेंसी क्लियर हुई है, फिर वैकेंसी आने वाली है। एक्सरे की आप देखेंगे रायबरेली में भी क्लियर हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिर वैकेंसी परमानेंट बेसिस पे आने वाली है एम्स रायबरेली में, और NHM में भी आई थी एक्सरे की। तो भरपूर वैकेंसी इन कोर्सों में आती है जो DMLT है, एक्सरे है, कार्डियो है, डायलिसिस है, OT है, इनमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है। DMLT, एक्सरे और OT में तो खूब वैकेंसी आती है। तो ये कोर्स रहे जो टॉप 10 के कोर्स हैं, इसको आप पहले फिल करेंगे। अगर ये कोर्स नहीं मिलते हैं तो आप दूसरी कोर्स की तरफ जाएंगे और कोर्सों की तरफ जाएंगे। आशा करें गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, प्राइवेट कॉलेज की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये टोटल सीटें आप ऐड करेंगे तो 5,865 के करीब आता, 5,865 प्लस सीट्स हैं, तो 5,865 सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन रही, आशा करते हैं आपको टॉप 10 कोर्स अच्छे लगे होंगे, आप सिलेक्ट भी यही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए।